नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल लहसुन भाव राज में और मैं दिनेशन पाइटा। किसान भाइयों, दो दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी व्यस्तता है और हमारे जो हम जिस डिपार्टमेंट में पंचायती राज में काम करते हैं तो किसान भाइयों हमारे को सख्त आदेश दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराएँ लेबर को। नरेगा के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को रोज़गार उपलब्ध कराया, तो हम उस व्यस्तता में थे तो किसान भाइयों। और दूसरी बात अपन देख लेते हैं कि भाई जो मंडियाँ अभी चालू नहीं होगी लॉकडाउन के कारण, तो कारण ये है कि किसान भाइयों काफ़ी मात्रा में जो पेशेंट्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी संभावनाएं मुझे बहुत कम लग रही हैं क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो खास करके मंदसौर और नीमच जो क्षेत्र हैं या रतलाम क्षेत्र हैं वहाँ की लहसुन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। वैसे राजस्थान में भी होता है, अन्य राज्यों में काफ़ी उत्पादन होता है लहसुन का किसान भाई में, लेकिन जो आज जो विपता आई है उसके कारण सारी मंडियाँ बंद हैं, लॉकडाउन है, सिर्फ गेहूँ की खरीदारी हो रही है, लहसुन की खरीदारी भी हो रही है लेकिन वो सौदा पत्र के माध्यम से हो रही है और जहाँ पर मंडियों में खरीदारी हो रही है वहाँ पर अलग से गौण मंडी बनाई गई। गौण मंडी का मतलब ये होता है किसान भाइयों की जो रहायशी इलाका है या जो रहवासी इलाका है उसके अंदर जो पहले मंडियाँ लगी हुई हैं तो उनसे दूर एक अलग क्षेत्र आवंटित किया जाता है और उस क्षेत्र आवंटित क्षेत्र में वहाँ पर परमिशन दी जाती है। तो परमिशन लेने के बाद उसमें व्यापारी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है और व्यापारी को रजिस्ट्रेशन के बाद जितने व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ पर खरीदारी करते हैं। तो किसान भाई आप भी ये कोशिश कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में गौण मंडी लागू हो, गौण मंडी की प्रक्रिया लागू हो और आपके किसी ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उस ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारी खरीदने आ सकते हैं। दूसरा है सौदा पत्र के माध्यम से जो खरीदारी हो रही है वो तो हो ही रही है। और तीसरा है कि आपको अगर इस प्रकार की गौण मंडी चालू करानी है तो आप प्रशासन के पास ज़्यादा बिल इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। एक जना भी एक व्यक्ति या एक किसान जाकर भी इस फरमाइश को अगर पेश करता है SDM साहब कलेक्टर साहब के पास थोड़े सुनेंगे क्योंकि अभी इतनी सारी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फैल भी रहा है और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसलिए इसके लिए सतर्क और सजग रहना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है, हाथ को बार बार साबुन से धोना है, मास्क लगा के रहना है, ये सारी व्यवस्थाएँ सरकार पूरा ध्यान दे रही है लेकिन सरकार कितना अधिकतर ध्यान दे सकती है, सभी अपने को खुद को सेफ रहना है। तो अपनी लहसुन जरूर बिकेगी किसान भाइयों, इसके लिए आपको या तो व्हाट्सएप के जरिए प्रशासन को अवगत कराना है या किसी भी माध्यम से सिंगल पर्सन आदमी की एप्लीकेशन दे सकता है या एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप के मार्फत या किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि इस प्रकार की हमारे को समस्याएँ आ रही हैं, हमारा लहसुन बेच रहा है। वैसे तो किसान भाई काफ़ी मजबूत होते हैं, पिछले साल बहुत लेट तक लहसुन रोक के रखा था और काफ़ी समय तक रोक के लगा, लास्ट तक अंतिम छोर तक जो नया माल आ गया फिर भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पुराना लहसुन आ रहा था, तो काफ़ी आप लोगों ने हिम्मत दिखाई थी और इतना भाव होने के बाद भी रोक के बहुत समय तक रखा था किसान भाइयों। तो आप माल तो रोक सकते हो, वैसे हमें पता है काफ़ी समय तक रोक सकते हो, लेकिन जो अभी मैं आपको बता देता हूँ लहसुन के भाव क्या चल रहे हैं। तो लहसुन अभी जो किसान या व्यापारी एक दूसरे जैसे सौदा मतलब की बात से सौदा कर रहे हैं तो वो बढ़िया लड्डू माल बेस्ट क्वालिटी का जो माल है 6000 से 7000 के बीच में बिक रहा है, बड़ा माल है, एकदम वाइट माल है और अच्छा माल है। मैं देसी लहसुन के भाव बता रहा हूँ आपको, और जो मीडियम साइज का लड्डू माल है तो 5000 से 6000 के बीच में बिक रहा है और उससे भी थोड़ा हल्का माल है तो 4000 से लगा करके 5000 बिक रहा है। तो छरी माल है, गोल माल है और एक जैसा माल है तो 3000 से लगा करके 4000 के बीच में बिक रहा है और बिल्कुल ही छोटा माल है इस साइज का और थोड़ा ख़राब भी हो चुका है या लास्ट में जो अपन छांट के अलग रखते हैं छरी माल होता है बिल्कुल ही, तो वो 2000 से लगा करके 3000 तक बिक रहा है, 3500 के लगभग तक बिक रहा है। तो किसान भाइयों ये थी आज की लहसुन की भाव की रिपोर्ट और इस भाव में किसान भाई आप सभी लहसुन बेच रहे हैं मुझे बताया, हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है और पर्याप्त मात्रा में व्यापारियों का माल भी पहुंच रहा है, उनके गोदाम पे भी माल काफ़ी हैं और बाकी जो सेंटर हैं पूरे भारत के जितने भी सेंटर हैं पूरे भारत में लहसुन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है। किसान भाइयों ऐसा नहीं कि लहसुन की सप्लाई रुकी हुई है, मुझे कहीं से कहीं ऐसा नहीं लगा कि लहसुन की सप्लाई की कहीं किल्लत आई है या कहीं कोई दिक्कत आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लहसुन लगभग पर्याप्त मात्रा में पूरे भारत में सभी सेंटरों पे
पहुंच रहा है। हमने जहां जहां से रिपोर्ट ली है उनके पास सभी के पास लहसुन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, तो लहसुन की कोई अभी कोई इतनी समस्या भी नहीं आई। और जिस प्रकार से आप सेल कर रहे हो, लगातार आप सेल करते रहे थोड़ा थोड़ा माल, अगर आपके पास उत्पादन काफ़ी पर्याप्त ज़्यादा मात्रा में तो आप 50% निकाल सकते हो और थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। अगर आपको मुनाफा मिलना होता है थोड़े भी नहीं मिल जाएगा, जिससे आधा माल होगा या 25% माल भी आपके पास बचा हुआ होगा। तो अगर कोरोना वायरस समाप्त हो जाता है, अगर इंडिया में कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त हो जाता है और बंदरगाह चालू होते हैं, तो तुरंत प्रभाव से निर्यात अपने देश का लहसुन होगा किसान भाइयों, ये तो 100% है। और अगर फैक्ट्रियाँ चालू हो जाती है तो लहसुन का पेस्ट भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थी पूरी एक रिपोर्ट लहसुन के ऊपर किसान भाइयों। और आने वाले दिनों में अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोरोना वायरस बिल्कुल समाप्त हो जाता है और इसकी चेन कट जाती है, तो लहसुन के भाव इंडिया में बहुत ही अच्छे मिलने वाले होंगे। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो, अगर कोरोना वायरस चलता रहा और मंडिया लॉकडाउन चलती रही, तो फिर तो ऐसी समस्या ही रहेंगी, जो भी भाव चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। थोड़े बहुत तो डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन विदेशों में काफ़ी मांग है, काफ़ी लहसुन की आवश्यकता है और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उनको लहसुन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। और उनके जो लहसुन निकलेगा वो किसान भाइयों अभी लेट निकलेगा, महीना दो महीना उनके काफ़ी बकाया है, तो उसमें उनके लहसुन निकलती हैं, तो उनके लेट बुआई होती है, लेट ही लहसुन निकलता है। तो ये थी किसान भाइयों पूरी लहसुन के ऊपर आज की रिपोर्ट। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके तुरंत उसकी सूचना आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय किसान।